तो मैं खुशबू मिश्रा, सुबह के 10 बज गए हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत आगरा की खबर के साथ, जहां पर आगरा की सड़कों पर चलते हैं ओपन बार। ओपन बारों पर कार्रवाई से आगरा पुलिस को डर लगता है। शाम ढलते ही दुकानों के बाहर ओपन बार खुल जाते हैं। शराब पीने के बाद सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं शराबी। महिलाओं और युवतियों से सरेआम छेड़छाड़ की जाती है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर चलते हैं सड़कों पर ओपन बार। थाना शाहगंज, थाना लोहा मंडी, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में चलते हैं ओपन बार। तो सरेआम बिक रही है शराब, और न सिर्फ बिक रही है बल्कि लोग पी भी रहे हैं और उसके बाद हुड़दंग भी मचा रहे हैं और माहौल खराब होता हुआ क्षेत्र का। किसी का खौफ नहीं है, आप देखिए सरेआम खुलेआम शराब बेची भी जा रही है और लोग पी भी रहे हैं बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। बीच सड़क पर मैखाना है और ये तस्वीर देखिए आप, किस प्रकार से ये लिखा भी हुआ है शॉप के ऊपर कि किस प्रकार से यहाँ पर ठंडी बियर मिल रही है। ये सरेआम लिखा हुआ है उस शॉप के ऊपर और शराब बिक रही है और खुलेआम लोग सेवन कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस ये जो ओपन बार है, इससे किस हद तक महिलाओं और युवतियों के लिए इस सड़क पर चलना मुश्किलों का सबब बनता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाय दिन यहां पर हुड़दंग मचाते हैं शराबी। महिलाओं और युवतियों से सरेआम छेड़छाड़ होती है और जब बीच सड़क पर ओपन बार होगा और शराब पीने के बाद जब इंसान होश में ना हो तो इन हरकतों को अंजाम देना लाजमी है। थाना शाहगंज, लोहा मंडी, जगदीशपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ओपन बार चल रहे हैं खुलेआम बिना किसी डर के। ताज नगरी में शराबियों की मौज है और आप देख सकते हैं तस्वीरों को और आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति यहां पर चल रही है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीच सड़क पर यह मैखाना चल रहा है, ये ओपन बार है, आप देखिए लोग इस दुकान में पहुंच रहे हैं, जो शॉप है इसमें पहुंच रहे हैं और शराब खरीदने के बाद बकायदा उसे ले भी रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, ये खुलेआम जो है शराब बिक रही है और बिक भी नहीं रही, लोग पी रहे हैं खुलेआम सड़कों पर, निश्चित तौर पर इससे परेशानियों का सबब तो बढ़ता होगा बहुत ज्यादा। नहीं करती है ये, हर सिर्फ एक ही थाने का नहीं है, थाना लोहा मंडी, जगदीशपुरा, शाहगंज, हेडमारदौला, थाना ताजगंज, सभी जगह ये हाल है। लेकिन आगरा पुलिस को पता नहीं क्यों डर लगता है इन शराबियों पर कार्रवाई करने की जगह, क्योंकि दुकान के जो शराब आबकारी विभाग ने जो दुकान अलॉट की है वहाँ केवल शराब देखने की अनुमति है, ना कि शराब पिलाने की। लेकिन जो दुकानदार है वो वहाँ दुकान पे बाहर महफिल सजवाते हैं, शराब पिलवाते हैं, अगल बगल जो दुकानों के कॉलोनियां हैं वहाँ गाड़ियां। ये बताइए, ये जो दुकान है क्या ये किसी स्पेसिफिक जगह पर है या फिर ये खुलेआम जो मोहल्ले होते हैं, जो और भी जो मतलब सराउंडिंग जो है वो कैसी है, क्या वहाँ पर आसपास में किस तरह का माहौल है जो यहाँ पर इस तरह की काम हो रहे हैं और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए खुशबू, जो ये शराब की जो दुकान है ये कॉलोनियों के आसपास भी बनी हुई है और बाजार में भी बनी हुई है। थाना शाहगंज क्षेत्र में घनी आबादी और बाजार भी है और वहाँ सभी धर्म जातियों के लोग भी वहाँ रहते हैं। वहाँ कई ऐसी दुकान है, थोड़ी थोड़ी दूर पर शराब और बियर की दुकान खुलवा दी गई है। वहाँ से महिलाएं जो लड़कियां निकलती हैं शाम को तो ये शराब उनके साथ छेड़खानी करते हैं, कई दफा उनके साथ लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई सबक नहीं लिया जिसके बाद ये कार्रवाई की जा सके। तो कहा जा सकता है कि आगरा पुलिस को जो है वो डर लगता है शराबियों पर कार्रवाई करने से और खुलेआम जो शराबी है वो शाम ढलते ही शराब पीने का। चलिए सुमित, इससे माहौल तो बिल्कुल खराब होता होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर बागपत से है, जहाँ पर बागपत में बेखौफ दबंगों के